नमस्कार दोस्तों, कई सारे पेरेंट्स और कई सारे बच्चों को जब मैं मिलता हूँ उनके सामने, जब मैं चैलेंज लेता हूँ कि 10,000 तक के टेबल से भी मुझे पूछे जाए और मेरी गलती हो जाए तो उनका जो भी एजुकेशनल एक्सपेंस होगा अपनी लाइफ का वो मैं बेयर करूंगा। कई सारे पेरेंट्स और बच्चों को ये लगता है कि ऐसी चैलेंज के अंदर 999 जैसे नंबर्स जिसके अंदर सभी 9 हो, ऐसे नंबर्स की चैलेंज सबसे डिफिकल्ट रहती है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं यही कॉन्सेप्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ जिसके अंदर हम सीखेंगे 999 और ऐसे कोई भी नंबर जिसके अंदर सभी डिजिट 9 ही है, इसके टेबल्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे पास नंबर है 9, सबसे पहले हम 9 का टेबल सीखते हैं। 9 के अंदर स्पेशलिटी है 9 × 0 तो 0 ही होता है। अभी 9 1s से लेके 9 10s तक बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको ये काम करना है 0 से लेके 9 तक यहाँ पे लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अभी 0 से लेके 9 तक उल्टा लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गया 9 का टेबल। पहले सीधा लिख दो, बाद में 0 to 9 उल्टा लिख दो। स्पेशलिटी यहाँ से खत्म नहीं होती है, फोकस ऑन द स्पेशलिटी। 9 के टेबल के अंदर जितने भी आंसर हमें मिलते हैं सभी आंसर को यदि एक डिजिट में कन्वर्ट कर दे तो आंसर 9 मिलता है। जैसे कि 0 + 9 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, ऐसे कोई भी नंबर आप ले लो, 9 का पूरा टेबल को यदि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो सभी का आंसर हमको 9 ही मिलता है। 9 का टेबल एक बार आ जाए तो ऐसे जितने भी नंबर्स की जिसके अंदर सभी डिजिट्स 9 ही है, ऐसे नंबर्स हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं टेबल्स। चलो देखते हैं, सबसे पहला 99, 99 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही होता है। नाउ 99 1s से लेके 99 10s तक हम सीखते हैं। सबसे पहले 9 का टेबल लिख लेते हैं, 9 1s 9, 9 2s 18, 9 3s 27, 4s 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड देन 90। ये हो गया 9 का टेबल। नाउ सी 99 के अंदर 9 कितने हैं? 2 9 है हमारे पास, 2 में से 1 9 को निकाल दो, बचा कितना? 1 9, तो वो 1 9 को यहाँ पे हमको लिख देना है। यहाँ पे 9 के टेबल के बीच में वो जो बचा हुआ 9 है उसको लिख दो, 99 का टेबल बन गया। 99 1s 99, 99 2s 198, 99 3s 297, 99 10s 990। जितने 9s है उसमें से 1 9 को निकाल दो, जितने 9s बचते हैं उसको 9 के टेबल के बीच में लिख दो। और एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे हमारे पास कितने 9s है? 5 9s है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 9 का टेबल लिख लो, 9 क्या आएगा? 0, 9 1s 9, 9 2s 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड देन 90। अभी क्या करना है, कितने 9s है हमारे पास? हमारे पास 5 9s है, 5 9 हमारे पास है, 5 में से 1 निकाल दो, बचा कितना? 4, 4 9 को यहाँ पे लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमको 4 9s लिख दो। हमारे पास जो आंसर्स मिलेंगे वो 99,999 का टेबल मिल जाएगा हमको। सो 9 का टेबल यदि आता है तो आपके लिए कोई भी ऐसा टेबल जिसके अंदर सभी 9s है, सभी डिजिट्स 9s ही है, ऐसा टेबल बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके मैथ को, स्पेशली 9s वाले टेबल को बहुत ही इजी बना देता है। फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के मैं आपके पास आऊंगा, तब तक वेट कीजिएगा और इसके प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।